हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और इस फंक्शन को कैसे आप अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। सो क्रिएटिंग अ फंक्शन, सिंटैक्स देख लीजिए। पहले सिंटैक्स से आप फंक्शन कीवर्ड है यहाँ, तो आपको फंक्शन लिखना है स्मॉल लेटर में। उसके बाद स्पेस देकर आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, देन कर्ली ब्रेकेट ओपन, देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखना है, कर्ली ब्रेकेट क्लोज। यहाँ ये जो ओपनिंग कर्ली और क्लोजिंग कर्ली के बीच है, इसे हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ एक फंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नाम मैंने दिया हुआ है डिस्प्ले, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, और मैंने यहाँ इको किया हुआ है, यानी कि मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ वेलकम टू गीकीसोस। ओके, ये मेरा डिस्प्ले होकर दिखाई दे। जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर का कोड क्या कहता है? कहता है कि इको कर दो इस टेक्स्ट को। अब फंक्शन को कॉल कैसे करना है, बनाना तो हम सीख गए कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली सिंटैक्स है, फंक्शन का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस आपको देना है, देन सेमी कॉलन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा डिस्प्ले विद पैरेंथेसिस, देन आपको यहाँ लिखना है सेमी कॉलन। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है जिसको आप इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे, बट ये एक फंक्शन है जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट या फिर नो पैरामीटर। ओके, सो इसका एग्जांपल देखें, चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, एक सिंपल सा फंक्शन, तो आपको लिखना है फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, तो मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया डिस्प्ले, देन पैरेंथेसिस देना है, और यहाँ हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ आपको लिखना है बॉडी ऑफ फंक्शन। तो हमारा जो बॉडी ऑफ फंक्शन है वो रहेगा क्या, वेलकम टू गीकीसोस, बस इतना ही। देन आपको यहाँ सेमी कोलन देना है, देन यहाँ हम लोग इसको बंद कर देंगे। ओके, सिर्फ फंक्शन बनाने से काम नहीं चलता, यानी कि अगर आप इसको अभी सेव करते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करें, मतलब रन करें। ओके, ये रन होगा हमें लोकल होस्ट, यहाँ अगर हम लोग रन करें तो हमें यहाँ कुछ भी आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आपको वेब पेज में कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं देगा। वेब व्यू पेज सोर्स करें तो यहाँ भी आपको अभी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ ये अभी तक रन नहीं किया है। ये फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक आप इसको अपने प्रोग्राम में कॉल ना करें। तो कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल करने के लिए हम लोग सिंपली फंक्शन का नाम लिखते हैं। मैंने लिखा डिस्प्ले और सेमी कॉलन, सेव करते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो अब आपको दिखाई देगा वेलकम टू गीकीसोस। सो ध्यान रखना है कि इस तरीके से तो फंक्शन बनाना ही है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि फंक्शन जो आप बनाते हैं वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक आप इसको कॉल ना कर लें। ओके, वापस से थ्योरी, देन यहाँ हम लोग कुछ रूल देखेंगे। बिकॉज फंक्शन का जो आप नाम लिखते हैं तो उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ नियम है जिनको फॉलो करते हुए आपको फंक्शन का नाम लिखना है। सो पहला है कि फंक्शन नेम ओनली स्टार्ट्स विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर, यानी कि फंक्शन का नाम आप जब लिखेंगे तो उसको आप किसी लेटर से स्टार्ट कीजिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। फंक्शन नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, आप फंक्शन का नाम एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट, आप प्री डिफाइंड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्री डिफाइंड फंक्शन का नाम हो, प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट का नाम हो, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हो, प्री डिफाइंड जो भी है, उसका किसी का भी इस्तेमाल फंक्शन का नाम लिखने के लिए मत कीजिए। डू नॉट यूज़ रिजर्व कीवर्ड्स, आपको रिजर्व कीवर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करना है फंक्शन का नाम लिखने के लिए। फंक्शन नेम्स आर केस इनसेंसिटिव, फंक्शन का नाम केस इनसेंसिटिव होता है, यानी कि आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, आप कैपिटल में फंक्शन का नाम कैपिटल में लिखिए, लेकिन कॉल करते वक्त स्मॉल में लिखिए तो कॉल हो जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जनरल प्रैक्टिस कहता है कि आप फंक्शन का नाम जब आप फंक्शन को लिखते हैं तब और फंक्शन को कॉल करते हैं तब दोनों को सेम लिखिए, जिससे कि आपको बाद में कभी कोड देखें तो आपको कन्फ्यूज़न ना। ओके, सो ये जनरल प्रैक्टिस होता है कि दोनों को सेम केस में लिखना चाहिए। ओके, सो इन बातों का ध्यान रखना है आपको जब भी आप फंक्शन का नाम लिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।